पश्चिमी भारत के एक पवित्र स्थान पर सोलर एनर्जी की मदद से भारत की सबसे बड़ी किचन्स में से एक को चलाया जाता है। इस किचन की शुरुआत 19वीं सदी में एक फकीर की वजह से हुई, जिसे अब 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया गया है। डिश पर पड़ने वाली सारी धूप एक हीट एक्सचेंजर पर रिफ्लेक्ट की जाती है। लकड़ी को यहाँ लगाने से ये जलना शुरू हो गई। दिस इज द पावर ऑफ सन। इस किचन को सोलर रेडिएशन से चलाया जाता है। हर रोज हजारों श्रद्धालु यहाँ का बना खाना खाते हैं और ये भारत के सबसे बड़े सोलर पावर्ड किचन में से एक है। हमारा फूड एस्टिमेट क्राउड के ऊपर डिपेंड होता है। जब ज्यादा क्राउड रहता है तो 70-80 हजार लोग एक दिन में खाना खाते हैं। यहाँ बात सिर्फ आध्यात्म और पूजा की नहीं है, बल्कि पेट पूजा की भी है। ये है मेगा किचन श्री साईं प्रसादालय का। धरती पर सूरज की धूप की कोई कमी नहीं है। ऊर्जा से भरी किरणें सूरत से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर धरती तक आती हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी का स्रोत है। ये मात्रा कुदरत के सभी जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए काफी ज्यादा है। अब क्योंकि ये अधिक मात्रा में उपलब्ध है, तो इससे हमारी आज की आधुनिक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। ट्रॉपिकल इलाके में होने से और अच्छी धूप के कारण भारत इस कुदरती ऊर्जा का पूरा फायदा उठा सकता है, खासकर उन जगहों पर जो उसके इक्वेटोरियल जोन में आती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दक्षिण की ओर है शिरडी, जो महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन इसकी शोहरत की असली वजह ये नहीं है। जो मन्नत लेके भक्त यहाँ आता है उसकी मन्नत पूरी होती है और सब मनोकामना पूरी होती है, इसलिए शिरडी में लाखों लोग दर्शन के लिए आते हैं। अपने दिलों में गहरी आस्था लिए ये भक्त शिरडी के पावन स्थल पर आ पहुँचते हैं अपने साईं बाबा की बस एक झलक देखने के लिए।